हमारी नेता भारत सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और आज उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है और उसमें उन्हें बुलाया ही नहीं गया, जबकि 60% योगदान भारत सरकार का है उसमें और 40% उत्तर प्रदेश सरकार का है। देखिए, मैं फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बने और हम उसके एक अभिन्न अंग रहें, लेकिन बिना सम्मान के ये कैसे साथ चलेगा? नाराजगी कहाँ पे है? राज्य सरकार से नाराजगी हो रही है, जो लोकल लोग हैं यहाँ पे राज्य के? मैं बिल्कुल स्पष्ट किए दे रहा हूँ कि राज्य भाजपा नेतृत्व हमें वो सम्मान नहीं दे रहा है जो जिस सम्मान के हम हकदार हैं हमारे, जबकि मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा केंद्रीय नेतृत्व के सामने जब भी हमने अपनी बातें रखी हैं केंद्रीय नेतृत्व ने हमारी बात सुनी है और राज्य को निर्देशित भी किया है और अभी जो भी हमारी समस्याएं हम फिर केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। बंधन की बात होता है, कितनी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कम या ज्यादा? सीटों के मामले में स्पष्ट कर दें कि सम्मानजनक सीट, सम्मानजनक सीट मिलेगी, हम बिल्कुल सम्मानजनक सीट समय आने पे आपको बता दिया जाएगा। दो सीट आपको मिला था, इस बार कितनी सीट चाहती? देखिए, हमारी ताकत बढ़ी है, अच्छा हमें और सीटें चाहिए। अध्यक्ष जी ये बताएं, अध्यक्ष जी ये बताएं कि गठबंधन को लेके कोई बात हुई है अभी, भाजपा से लेके कोई बात हुई है कि नहीं यूपी गठबंधन को लेके? देखिए, कुछ दिन पहले भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने हमको बुलाया था और उन्होंने, हमने अपनी जो समस्याएं हैं उनके सामने रखी थी, उनमें उन्होंने सुधार करने का आश्वासन दिया था। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को सुनेंगे और आगे जिस तरह जो उत्तर प्रदेश भाजपा से समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक तरफ मायावती उठा जाए, अपना दल और बीजेपी के गठबंधन। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कह दे रहा हूँ, मायावती जी के टाइम में कानून व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी ही, इसमें मुझे कोई भ्रम नहीं। राहुल जिस तरीके से अभी राजनीति कर रहे हैं, जो तीन राज्य जीते, क्या आप मानते हैं राहुल परिपक्व हो रहे हैं? देखिए, राहुल जी के विषय पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा।